नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर हुई सकारात्मक बैठक। NH2 किनारे सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर फुटपाथ दुकानदार संघ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच मंगलवार को निरसा प्रखंड कार्यालय सभागार में एक बैठक हुई, जिसमें सर्विस लेन पर दुकान लगा रहे क्षेत्र के दुकानदार उपस्थित थे। इसके अलावा निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार राय, CEO नितिन शिवम गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह दीपाली, रूही दास, प्रखंड प्रमुख आशा दास के अलावा क्षेत्र के मुखियागण उपस्थित थे। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए CEO नितिन शिवम गुप्ता एवं जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह ने बताया कि सर्विस लेन खाली कराने को लेकर आज की वार्ता सकारात्मक रही। सर्विस लेन खाली कराने के बाद इन्हें KSGM कॉलेज के पास स्थान मुहैया कराया जा रहा है। सोमवार तक इन लोगों को समय दिया गया है, मंगलवार को ये सब दुकानदार वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। धनबाद जिला ब्यूरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट। दुकानदार जो NH के जगह पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और जिनका रोजी रोटी का भी मुद्दा है, उसको लेकर बैठक हुआ था, जिसमें उनका भी सहूलियत के हिसाब से उनको एक जगह शिफ्ट किया जाए। और जो आम आदमी जो NH पर आता है, सर्विस रोड का उपयोग करता है, वो आज नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी सर्विस रोड का उपयोग कर पाए, एक विषय ये था। तो उस पर निर्णय यही हुआ कि हटिया के आगे KSGM के पास में, KSGM से पहले जो खाली स्थान है, वहाँ पर सारे जो फुटपाथ दुकानदार संघ के लोग हैं जो अतिक्रमण करके बैठे हुए, उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। रविवार तक वो अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर ले या सोमवार को शिफ्ट कर ले, मंगलवार से NH का सर्विस रोड पे काम शुरू होगा। एक तो ये था। दूसरा था जो आपका 6 लेन पे जो डिवाइडर लगाया जा रहा है बीच में, तो जितने भी कट्स थे लीगल या इलीगल, उनको बंद किया जा रहा है। आप देखेंगे निरसा चौक के बाद, निरसा चौक पर चूँकि ट्रैफिक लाइट हो रहा है, तो यहाँ पर एक कट है जो रहेगा, उसके बाद सीधे आपका जो बाईपास में बन रहा है मुगमा में अंडरपास, तो अगर इस पार के किसी भी चार चक्का या स्कूल बस को अगर उस पार जाना है, तो सीधे यहाँ से जाएगा और फिर वहाँ से मुड़ करके उसको वापस आना पड़ेगा। तो एक ये प्रश्न था, उस पर हम लोग बात किए, तो उस पर हम लोगों ने एक मांग रखा है कि लक्ष्मी माता गेट के सामने जो एक पहले से ऑलरेडी NH का लीगल कट है, लीगली वहाँ से मुड़ने के लिए NH ने वो गैप छोड़ा था, उसको भी वो बंद कर रहा है। तो 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर उधर बीच में एक वहाँ भी दे दें, ताकि इस पार से लोग उस पार जा सकें। इधर में आपका एक्सचेंज ऑफिस के पास में आपका इस पार से उस पार जाने के लिए जगह छोड़ा जा रहा है, जहाँ 4 लेन ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आपका गोपालगंज में भी है, तो उसके ठीक उसी तरह गोपालगंज के बाद आपका टेलीफोन एक्सचेंज, उसके बाद से निरसा चौक, उसके बाद से लक्ष्मी माता में एक हो जाए, बहुत लंबा स्पैन हो रहा था। एक ये विषय था। दूसरा विषय जानकारी में आया, कहीं से किसी सोर्स से पता चला कि NH जो 6 लेन का कंस्ट्रक्शन सिनेमा हॉल मोड़ तक करने वाला था, अब उसका प्रपोजल ड्रॉप करके वो आपका खुदिया फाटक तक ही 6 लेन कर रहा है। तो हम लोगों ने एक सर्विस रोड की मांग की कि आप 6 लेन ही करें या 4 लेन करें, वो आपका मामला है, लेकिन कम से कम एक सर्विस रोड सिनेमा हॉल मोड़ से लेकर के और आपका नवादा होटल या ब्रिज कह लीजिए, जो ब्रिज है वहाँ तक सर्विस रोड हमको दे दीजिए, ताकि लोगों को NH पर चढ़ने का जरूरत न पड़े, एक्सीडेंट न हो, लोकल लोग जो जाते आते हैं, चूँकि निरसा कांटा आप देखेंगे वो एक कमर्शियल प्लेस है, बहुत एक व्यापार का केंद्र है निरसा का, वो भी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का जाना आना लगातार रहता है। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि निरसा जो पूरा मार्केट एरिया है, यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति भी रहती है, और जो सर्विस लेन है वो लगातार जाम रहता है, चूँकि उसमें कुछ दुकानदारों के द्वारा अपना दुकान लगा दिया जाता है, पार्किंग कर दिया जाता है, जिस वजह से जो आम जन है उनको परेशानी होती है। तो लगातार NH का काम भी यहाँ पर चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, तो पूरा सर्विस लेन को खाली कराया जाना है। तो उसी के संबंध में जो भी हमारे फुटकर विक्रेता जो भी है, बंधु हैं हमारे, उन सभी को एक प्रॉपर जगह पर शिफ्ट करना, ताकि उनका व्यापार भी हानि ना हो और हमारा सर्विस लेन भी प्रॉपर तरीके से चालू रहे और हमारे स्थानीय लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। इसी के संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आज ये निर्णय लिया गया है कि इस इतवार के बाजार के बाद सोमवार से सारे लोग इसको पूरा सर्विस लेन खाली करेंगे। इसमें NH और स्थानीय थाना और प्रशासन के लोग मिलजुल के हम लोग इसको खाली कराएंगे, ताकि सुगमतापूर्वक जो स्थानीय लोग इस पर चल सकें। सर, ऐसा क्या दुकानदारों को